हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हिरेन भाई पांड्या उदयपुर पहुंचे। इस दौरान पांड्या ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उनके बोर्ड की ओर से मजदूरों के लिए करवाए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। श्रमिकों के हितों के लिए काम करने वाले राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने इस मौके पर यह कहा कि अभी पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी 293 रुपए है, इसको 350 रुपए किया जाए। इसके लिए बोर्ड की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। हालांकि न्यूनतम मजदूरी की सीमा को तय करने का काम केंद्र सरकार का है, लेकिन बोर्ड अपनी ओर से सरकार को प्रस्ताव जरूर भेज सकता है। इसलिए जल्द ही इस तरह का एक प्रोजेक्ट तैयार कर सरकार को भेजने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा उन्होंने बोर्ड की ओर से पूरे देश में करवाए गए कार्यों को लेकर कहा कि मजदूरों में जीवन कौशल जनता को बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, जिसके तहत अभी तक 3 लाख से ज्यादा मजदूरों को प्रशिक्षण दिया गया। असंगठित मजदूरों को लेकर बोर्ड के चेयरमैन ने यह भी कहा कि अब वह समय आ गया है जब असंगठित मजदूरों को एक होकर काम करने की जरूरत है। इसके लिए बोर्ड अपने प्रयास कर रहा है, लेकिन मजदूरों को भी संगठित रूप से कार्य करने की जरूरत है। मेरे लिए हर्ष का विषय है कि सभी इन गणमान्य बंधुओं और भगिनियों से मेरा वार्तालाप होगा और अच्छे बातचीत का मौका एक प्रदान हुआ है। आज इस बैठक का एक उद्देश्य ये भी है आने का कि भारतवर्ष के ऐसे 50 केंद्र जो है इस बोर्ड के, उसका एक केंद्र उदयपुर भी है, जिसके अंतर्गत 14 से अधिक अपने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। अब हर एक केंद्र अपने अपने हिसाब से अपनी कार्य योजना बना के आगे बढ़ रहा है, तो उसमें अपनी योजना जो बोर्ड के हिसाब से जो हमने सम्मिलित किया है और बोर्ड की गतिविधि के हिसाब से अगर इस केंद्र को भी आगे बढ़ाया जाए तो उस कुछ अपनी नई चुनौतियां है उसके बारे में थोड़ी बातचीत करना, खास तौर से आने वाले दिनों में जो स्किल डेवलपमेंट की बातें चल रही है उसमें स्किल डेवलप कैसे किया जाए, कैसे इसको बढ़ावा मिले। तो ये जो नीतिगत निर्णय क्षेत्रीय निदेशालय के सलाहकार समिति के लोग करने वाले हैं, उसके साथ शामिल होकर उनके मन के सुझाव लेके, उनके पास से अधिक जानकारी लेके, यहाँ से उदयपुर के आसपास के पिछड़े इलाके तक के भी कोई अलग 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 जो जानकारी मिलती है अलग सेक्टर का, उसको और बढ़ावा देके राष्ट्रीय स्तर पर उनका कोई प्रश्न इस प्रकार से हो उसको आगे बढ़ाना और उस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर से जो हमारी चुनौतियाँ हैं तो उदयपुर को शामिल करते हुए उसके साथ कैसे आगे बढ़ाना और पूरी राष्ट्रीय धारा में जो बाकी केंद्र है उसी प्रकार ये केंद्र भी उसमें अग्रिम रूप से आगे बढ़ सके, जो अपने आंचलीय रूप से तो उस अग्रिम रूप से आगे बढ़ाने का उद्देश्य के मामले में जो सुझाव आएंगे जो उसमें पर निर्णय करेंगे, तो आने वाले दिनों के लिए एक अच्छी सी योजना बनाने के लिए आज की बैठक का उद्देश्य रखता है। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।